मंदिर की पूजा तो ही करेगा ना, मंदिर की पूजा करेगा, मंदिर की है। नाम क्या तुम्हारा? भरत। यही करी जा रही है दाद जी के। दीपावली राम रमी हो रहा है दादी के। तो सुबह की अभी बजे है 7 और मैं उठ गया हूँ। और मैं आपको जैसे बताया था दीपावली के अवसर पर गांव आया हुआ था, यहाँ पे दादी माँ भी है, आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। और गांव आया हुआ था, सुबह का गांव का नजारा दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ, यहाँ पे गुवार लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ गांव का नजारा छत से दिखा। यहाँ से कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपको, ये बैक साइड है, ये आगे का गांव है, गांव इस तरफ रह गया। तो गाइस रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो ये लुक आ रहा है आज। गाइस दिवाली के अगला दिन हो चुका है, आपको वैसे मैंने बता ही दिया था इंट्रो में। और आज दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और तैयार हो गए, फाइनल लुक है। ओ आप तैयार हो गए, क्या बात है, सब लोग तैयार हो चुके हैं। तो आपको मैं गांव दिखा दूंगा और कल दिवाली वाला व्लॉग ये कंटिन्यू कर लेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे रात को व्लॉग शुरू किया तो वही ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज यहाँ पे राम राम होता है दिवाली का, देखिए आप सभी को राम राम। और दिखाते हैं गांव का टूर दिखाते हैं और दिवाली वाला ब्लॉग ये कंटिन्यू देगा। तो मिल गया, आप क्या तय करी जा रही है दाद जी के। दीपावली राम रमी हो रहा है दाद जी के फ्रेंड है, यानी दाद जी, दाद जी के दोस्त है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको लट्ठी। ये लट्ठी है तो बात बात। इसको लट्ठी है भाई। आपका नाम बता दो, क्या नाम है? बजरंग जी राजपुरोहित, गांव रेवाड़ो। तो यहाँ पे आप आज दीपावली के राम राम करने आए हो ने? और ये हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी मंदिर की सेवा करते हैं। तो आप बताओ कुछ गांव के बारे में। आज मोटर नहीं आ गई है आगे तो ले। गांव की आपको चीज दिखा देता हूँ, बेर। आप बेर नाम से जानते होंगे उसे, लेकिन हम यहाँ पे उसके बोरिया बोलते हैं, बोरिया। वो दिखाता हूँ आपको, मैं खा के भी आ जाता इसी बहाने। ये दादाजी की गाय है हमारी, मैं भाई खाने लायक। ये गाय है, गाय माता। और कचरा भी बहुत है यहाँ पे, देखो बेर लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। ओ भाई ये देखो बेर, तो गाइस यहाँ पे दादाजी नाश्ता कर रहे हैं। नहीं दादाजी नाश्ता करो, नाश्ता करोगे? नाश्ता करो। और माँ को दिखाता हूँ, माँ क्या कर रही है। माँ आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? माँ ये काचर है उनको साइड में कर रही है और कचरा निकाल रही है। नहीं माँ कचरा साफ कर रही हो ना? काचर साइड में रखे, गले गले काटे हैं। तो ये कुछ है मौसम आज का, यहाँ पे तुलछा जी भी है माँ, ये चूल्हा। यहाँ पे आज सफाई अभियान चल रहा है, जो भी कचरा है उसे निकाल रहे हैं यहाँ से। वो भी दिवाली के बाद? दिवाली के बाद नहीं, दूसरा दिन ही है दिवाली को। ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो कचरे को आग लगा दी गई है, सूखा कचरा जो साफ हो जाएगा यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये सूखा सूखा कचरा है तो सारा उखड़ जाएगा यहाँ से, यहाँ जल जाएगा और बाद में साफ कर लेंगे इस जगह को। ये आग लगा रहे बर्त और वहाँ पे सफाई हो रही है, मैंने दिखाया था आपको। देखो पानी लिया, इसके अंदर डाल देते हैं, नहीं आगे जा रही है, पानी लाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे तो कचरा है, लकड़ियाँ हैं, वो लकड़ी नहीं जल जाए इसलिए पानी तैयार रखते हैं साथ में। यहाँ पे पानी है ताऊ जी के घर के पीछे, ये ताऊ जी का घर है, बैक साइड है, तो यहाँ से पानी ले लेंगे। हमारे गांव के सबसे ऊंचे धोरे पर जहां है माता जी और हनुमान जी का मंदिर, नहीं प्रकाश, माता जी और हनुमान जी का ना, अभी माता जी और हनुमान जी का मंदिर है यहां पे। हां तो वो आपको दिखाएंगे, मंदिर दर्शन कराएंगे, चलो चलते हैं साथ साथ और गांव भी दिखाएंगे ऊपर से कैसा दिखाई देता है। तो गाइस ये है करणी माता का मंदिर, जिसका सबसे बड़ा मंदिर देश नोग में है, आप जानते ही होंगे। तो ये रेवाड़ा का करणी धाम मंदिर है और वो हनुमान जी का मंदिर है ना, हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ से गांव दिखाते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखो गांव का कुलेसा नजर आ रहा है। ये छोटा सा मंदिर है करणी माता का, लेकिन गांव का मंदिर है जो दौरे के ऊपर बना हुआ है पूरे। तो यहाँ पे बंद है, इसका टाइम पीरियड है, टाइम के हिसाब से खुलता है ये, ऐसा कुछ है। और प्रकाश और बढ़िया भाई, बढ़िया, अभी माता जी के दर्शन होंगे और भी बढ़िया होगा। सही है। तो यहाँ पे पानी डाल रहा है, ये बच्चा सेवा करेगा मंदिर की, पूजा तो ही करेगा ना मंदिर की, पूजा करेगा मंदिर की। ये नाम क्या तुम्हारा? भरत, भरत नाम है इसका। ये पूजा करेगा मंदिर की, माता जी मंदिर देखते हैं पूजा कैसे करता है ये। ये ओल्ड मंदिर है करणी माता का, जहाँ मूर्ति जमीन से प्रकट हुई थी और उसके बाद ये बनाया गया मंदिर। जमीन से प्रकट हुई थी या लगाई गई थी? जमीन से, ये तो प्रकट हुई थी, वो लगाया गया। ये प्रकट हुई थी और ये लगाई गई थी। तो गाइस ये बालाजी का मंदिर है जो दौरे के ऊपर है, इनसे आप मिलवाया था मैंने पहले, जो पुजारी है इस मंदिर के, आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। बजरंग बली का मंदिर है ये, देखो कुछ ऐसा है मंदिर, छोटा सा बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। कुछ ये घर सा बना हुआ है जो पुजारी जी का है, यहाँ पे रहते हैं वो, और अंदर अभी हनुमान जी की वो पाठ चल रहा है वो। और यहाँ पे पानी भर रहे हैं अपना और मंदिर का। ये पानी बारिश का है, इधर बारिश से आता है ना वो पानी, बारिश का है ना, बारिश का है। देखो तो गाइस ये गांव का कुछ ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ से टिल्ले से, देखो यहाँ पे हम, और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई दे रहा है
इस गांव में लगभग 75 घर अंडर या अपर ही होंगे उससे, 75 घर है। तो आप देख सकते हो वही एक ही जाति के हैं, राजपुरोहित जाति के हैं वो सारे घर।